एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, जो प्लांट किंगडम का पार्ट थर्ड वीडियो है। ब्रायोफाइट्स के इम्पॉर्टेंट फीचर्स और नीट में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि कम्प्लीट ब्रायोफाइट्स फ्रॉम एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो ब्रायोफाइट्स के दो ग्रुप हैं, मॉसेस और लिवरवॉर्ट। कहाँ पे पाए जाएंगे? तो मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं। फिगर से क्वेश्चन यहाँ से आया है कि इन केस ऑफ फीमेल ब्रायोफाइट आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। और इन केस ऑफ मेल ब्रायोफाइट एंथेरिडियोफोर, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। दिस वन इज फिगर ऑफ स्फैग्नम एंड दिस इज फ्यूनेरिया। नाउ द नेक्स्ट, एम्ब्रायोफाइट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये सॉइल पे तो रहते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। डैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? तो दे प्रेजेंट डैम्प, ह्यूमिड और सैडेड लोकेशन पे प्रेजेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट का, वो ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होता है इन कंपैरिजन तो एल्गी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। इसका जो थैलस होता है वो प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों हो सकता है। और ये जिस भी जगह पे प्रेजेंट होता है वो सबस्ट्रेटम से यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर राइजॉइड से अटैच होता है। इसके अलावा दे लैक ट्रू, इसके अंदर ट्रू रूट्स, स्टेम और या फिर लीफ वगैरह नहीं पाया जाता है, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो मेन ब्रायोफाइट का बॉडी होता है वो हैप्लोइड होता है, इसके अंदर गैमिट का भी प्रोडक्शन होता है और इसलिए इसको हम लोग गैमिटोफाइट भी बोलते हैं। इसका जो ब्रायोफाइट का सेक्स ऑर्गेन होता है वो मल्टी सेल्युलर होता है। मेल का जो सेक्स होता है ब्रायोफाइट में, इन केस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको हम लोग एंथेरिडियम कहते हैं, जो कि बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरिजॉइड प्रोड्यूस करता है। और इन केस ऑफ फीमेल के केस में जो सेक्स ऑर्गन होता है उसका एक नाम है आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम जो होता है वो फ्लास्क सेपेड होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है सिंगल एग को। जो एंथेरिजॉइड होता है वो रिलीज करता है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वो आर्किगोनियम के साथ जा कर के अटैच हो जाए या फिर उसके साथ कांटेक्ट में आए। इसके अलावा जो एंथेरिजॉइड होता है वो फ्यूज़ कर जाता है एक के साथ टू प्रोड्यूस जाइगोट। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जो जाइगोट होता है वो डजंट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न इमीडिएटली, वो तुरंत रिडक्शन डिवीज़न में नहीं जाता है, बल्कि दे प्रोड्यूस मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट्स। कुछ ये मल्टी सेल्यूलर यानी कि ये गैमिटोफाइट है, गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो गैमिटोफाइट होता है वो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनता है। तो ये बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है जाइगोट का, ठीक है। इसके अलावा जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, बल्कि वो फोटोसिंथेटिक गैमिटोफाइट्स के साथ अटैच रहता है, यानी कि स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमिटोफाइट पे डिपेंड करता है। बाद में उसमें भी रिडक्शन डिवीज़न होता है और फाइनली हैप्लोइड स्पोर बनता है और लास्टली गैमिटोफाइट बन जाता है, ठीक है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो उसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है बहुत कम है, लेकिन कुछ मॉसेस होते हैं जिसका जो हर्मेसियस मैमल्स के लिए अच्छे होते हैं या फिर बर्ड्स के लिए यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा जो स्फैग्नम होता है, स्फैग्नम जो कि एक मॉस है, वो यूज़फुल होता है, वो फ्यूल वगैरह में इस्तेमाल होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स में भी इसका यूज़ होता है, या फिर अगर वाटर होल्डिंग इसके अंदर कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा जो मॉसेज होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि मॉसेज जो होता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कॉलोनी बनाता है रॉक पे, और फाइनली जब सक्सेशन वगैरह में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइट्स के दो ग्रुप है, लिवरवॉर्ट और मॉसेस। तो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन, अब एक एक करके हम इस सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो है लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट की खास बात ये है कि ये मॉइस्ट एरिया में पाया जाता है, शेडी हैबिटेट में पाया जाता है, जैसे कि बैंक ऑफ द स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बेयर ऑफ द ट्री, बार्क ऑफ द ट्री, डीप इन द वुड, ये सारी जगहों पर पाया जाता है।
जो प्लांट बॉडी होता है लिवर बोर्ड का, यानी कि जो थायरॉयड होता है, एग्जांपल के तौर पर मार्केंसिया, मार्केंसिया इसी का एग्जांपल है, वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, जो क्लोजली मतलब अपरिष्ट होता है टू द सबस्टेट। जो लीफी मेंबर होता है वो, मतलब इसके अंदर भी लीफ वगैरह ट्रू नहीं पाए जाते हैं, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर भी पाए जाते हैं। जहाँ तक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, तो लिपर बॉट में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, यानी कि जो थैलस होता है उसमें फ्रैगमेंटेशन होता है और फॉर्मेशन हो जाता है नया एक स्ट्रक्चर का, जिसको स्पेशल वर्ड है गिम्मा। देखो बच्चों, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये जो गिम्मा वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, गिम्मा को आपको याद रखना है। गिम्मा क्या होता है, सिंगुलर है तो गिम्मा, और अगर ये प्लूरल में है तो गिम्मी। जो गिम्मा होता है वो एक ग्रीन मल्टी सेल्यूलर ए सेक्सुअल बर्ड होता है, जो कि डेवलप कर जाता है आगे चल के ये गिम्मा कप बनाता है, और यही गिम्मा कप जो होता है डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट बॉडी से, और फाइनली वो एक नया इंडिविजुअल बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा गिम्मा था, गिम्मा से ही हमको नया इंडिविजुअल मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट में भी लिवर वॉर्ट में अगर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिंपल है कि वो डिफरेंट का, इसमें सेम मतलब थैलस पे भी हो सकता है, डिफरेंट थैलस पे भी हो सकता है। स्पोरोफाइट इसमें भी बनता है, सेम वही फूड सीटर कैप्सूल बनेगा, और इसमें भी मियोसिस होगा, स्पोर बनेगा, स्पोर के बाद कैप्सूल बनेगा, और फाइनली ये जर्मिनेट करके नया ब्रायोफाइट बना देगा। नाउ द सेकेंड वन इज मॉसिस। मॉसिस की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर प्रोटोनीमा पाया जाता है। प्रोटोनीमा क्या होता है बच्चों, तो जो प्रोटोनीमा होता है वो प्री डोमिनेंट स्टेज होता है लाइफ साइकिल का मॉसिस के। ये एक कैसा स्ट्रक्चर है भाई, तो ये क्रीपिंग ग्रीन और ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, सेकेंडरी से फिर लास्टली लीफी स्टेज आता है। तो होता क्या है कि जो प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है वो ऐसे रेंगेगा, सेकेंडरी भी रेंगता है, लेकिन जो लीफी लास्ट वाला होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके अलावा लीफी स्टेज, वही चीज़ यहाँ पे लीफी स्टेज बनता है विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एट द लैटरल बट के थ्रू बनता है, जो कि अपराइट सिलिंड्रिकल एक्सिस बना देता है। इसके अलावा दे आर अटैच टू द सॉइल, सॉइल के साथ अटैच होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, ब्रांच राइजोइड के थ्रू, और ये इस तरह से सेक्स ऑर्गन वगैरह इसी के अंदर पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैगमेंटेशन और बडिंग दोनों के थ्रू होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो द सेक्स ऑर्गन ऑफ एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो जाइगोट होता है वो डेवलप कर जाता है स्पोरोफाइट में, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसके अंदर फूड सीटा और कैप्सूल पाए जाएंगे, और जो स्पोरोफाइट्स होता है इन मॉसिस में वो मोर इलाबोरेट होता है इन कंपेरिजन टू लिवर वॉट। लिवर वॉट के कंपेरिजन में जो मॉसिस होता है इसका ज़्यादा इलाबोरेट होता है, इसके अंदर स्पोर्स भी पाए जाते हैं। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर कब बनता है तो मियोसिस के बाद बनता है। जो मॉसिस होते हैं वो इलाबोरेट मैकेनिज्म बनाते हैं स्पोर, यानी कि बहुत सारा इसमें मैकेनिज्म होता है स्पोर के डिस्पर्सल का, आगे चल के हायर क्लास में आप पढ़ोगे अगर आप रिसर्च फील्ड में गए तो। इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम स्पैग्नम। तो ये था, दिस ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारा अगला वीडियो होने वाला है टेरिडोफाइट के ऊपर। तो थैंक यू, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।